Welcome all of you. I am Durgesh Kumar Pandey. I am taking a class of 12 and the topic is India's foreign policy. And in this topic, I am going to explain a heading, Wars and Peace with China. Sorry, War and Peace with Pakistan. This is your topic, War and Peace with Pakistan. Basically, today I am going to focus only on Pakistan. And the class, from the very starting, the relation of India and Pakistan was very bad. Janm se hi, matlab partition, independence come with the partition. And India and Pakistan both were involved in a conflicts in 1947. And A proxy war was started between India and Pakistan in 1947 in Jammu and Kashmir. And the region after the independent, the Raja Hari Singh, Raja Hari Singh, he was the ruler, he was the king of Jammu and Kashmir. In Jammu Kashmir was a princely state. Or jo Raja Hari Singh the, he want to remain independent. Wo independent rehna chahte the. Wo na to Bharat ke saath join hona chahte the na Pakistan ke saath. He want to remain independent. Unki ichha thi ki independent rahe. Aur kyunki Jammu and Kashmir was a Muslim majority area, Muslim bahulya area tha, majority mein the. तो जो जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से जो पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनकी नज़र जम्मू एंड कश्मीर पे थी कि ये तो पाकिस्तान में जाना चाहिए. बट और यही सोच करके जो पाकिस्तान के रूलर थे, लीडर थे, उन्होंने तय किया कि वो जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करेंगे. और उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया. मतलब जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी उनके साथ उनकी पाकिस्तानी आर्मी जो है जुड़ करके उनको जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करने के लिए भेजी. और जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के साथ जब पाकिस्तानी आर्मी इंक्लूड होकर के जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक करती है, तो अब जो राजा हरि सिंह थे वो ये फील करते हैं कि अब वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. और वो अपने जो एक मंत्री थे, अपने सेनापति थे, उनसे उन्होंने बात किया कि अब क्या किया जा सकता है. तो सेनापति ने सजेस्ट किया कि देखो राजा हरि सिंह को कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, मैं कुछ समय तक संभाल सकता हूँ. और इसके बाद राजा हरि सिंह ये समझ गए कि अब हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा. तो राजा हरि सिंह ने तय किया कि वह ऐसे किसी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे जो फोर्सफुली उनको, उनके कंट्री को जो है, उनके जम्मू एंड कश्मीर को फोर्सफुली कैप्चर करें. बल्कि तब राजा हरि सिंह ने तय किया कि वो इंडिया के साथ मिलेंगे, क्योंकि वो किसी ऐसे कंट्री का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं जिसने उनको फोर्सफुली अपने में मर्ज किया है. और फिर यहाँ इंडिया, पाकिस्तान की आर्मी और जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के फोर्सेस के साथ मिल करके वो लगातार जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहे थे. और वो जो है राजा हरि सिंह के पास तक पहुँच चुके थे. तो अब राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से बात किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक न्यूज़ पहुंची. और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला लिया कि उस राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन साइन कराया जाएगा. और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन साइन कराया. और उसके बाद इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर, बाकी अदर प्रिंसली स्टेट की तरह जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया. देन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को भेजा उसके बाद.
और इंडियन आर्मी जो है पहुंची और तब जाके राजा की जान बच पाई, राजा हरि सिंह। और अब जो हमारी इंडियन आर्मी थी उसने जो है पाकिस्तान की आर्मी और उनके ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ के जो अटैक थे उनका उनको पीछे धकेलना शुरू किया और इंडियन आर्मी आगे बढ़ती चली गई और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे हिस्से को खाली करा लिया गया। लेकिन तब तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे इंडिया के गवर्नर थे माउंटबेटन, ही वाज़ द फर्स्ट गवर्नर, उन्होंने पंडित नेहरू से सजेस्ट किया कि मामला यूएनओ में लेकर के जाए। और माउंटबेटन के कहने पे पंडित नेहरू वाज टेकिंग दिस मैटर इन द यूएनओ, पंडित नेहरू मैटर को यूएनओ में लेके चले गए और फिर मामला वहीं यूएनओ के हिसाब से चलने लगा। यूएनओ ने ऑर्डर किया कि सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनओ के थ्रू ये ऑर्डर पास हुआ कि सीज फायर किया जाए, यानी कि जहाँ इंडिया की फौजें जहाँ पे हैं वहीं हो जाए और जो पाकिस्तान की फौजें जम्मू एंड कश्मीर है वहीं रुक जाए, सीज फायर हो जाए, लड़ाई बंद हो गया, जो जहाँ रहेगा वहीं रुक जाए, अब आगे लड़ाई नहीं होगी। फिर सीज फायर हो गया और उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया और उस प्रपोजल वहाँ दिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है प्ले का फैसला जो है सूझबूझ से लिया जाएगा। तो उसमें एक बात थी प्लेबिसाइट की कि जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा और प्लेबिसाइट तब होगा यूएनओ के अकॉर्डिंग कि जब दोनों ही देशों की सेनाएं जम्मू कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुला लें, वहाँ प्लेबिसाइट होगा, जनता की राय जानी जाएगी, देन उस आफ्टर कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब सिचुएशन ये कि पाकिस्तान के पास जो हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का है जिसको हम लोग पीओके कहते हैं वो कभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो अपनी जो है पाकिस्तान की जो आर्मी जम्मू एंड कश्मीर से पीछे हटे। तो जब सेनाएं हटेंगे नहीं तो प्लेबिसाइट कैसे होगा? तो और यही वजह है कि आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हुआ, कभी सेनाएं पीछे हटी नहीं, प्लेबिसाइट हुआ नहीं और फिर आज तक ये मामला वहीं लटका हुआ। तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, पीओके पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और हमारे इंडिया के पास जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का प्लस। तो फर्स्ट वॉर 1947 में स्टार्ट हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर के और फिर इस तरह से वह मामला जो है यूएनओ में लटक गया और आज तक सॉल्व होने का वेट कर रहा है। देखो क्लास, यू नो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है और भी जो इश्यूज थे, जैसे वुमेन्स के अबक्टन का, जो दोनों साइड की वुमेन्स को लोगों के ने अबक कर लिया था, अपहरण कर लिया था, उस मामले को इंडिया और पाकिस्तान मिल करके सॉल्व कर रहे थे। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ड्यूटी, हमारे इंडिया से जो रिवर्स हैं हमारे इंडिया से निकल करके पाकिस्तान में जाती हैं, तो पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया जो है उस पर प्रॉपर जितना उनको वाटर चाहिए नहीं मिल रहा है। तो बाद में यूएन वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी कराई जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जो कि 1960 में हुआ। इसमें ये तय हुआ कि पाकिस्तान को एक हिस्सा, जो भी वाटर है उसका एक प्रॉपर पार्ट पाकिस्तान के पास जाएगा और उसका एक प्रॉपर पार्ट इंडिया के पास रहेगा। इस तरह से एक इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है। फिर देखो क्लास, हमारे कंट्री से इंडस रिवर निकलती है, लद्दाख होते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर होते हैं, फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और ये तय होता है। इसके बाद क्लास देखो, क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज कम फ्रॉम द पाकिस्तान इन 19 अप्रैल 1965। जम्मू पाकिस्तान विच सेंटो ज्वाइन कर लिया, ही वॉज ज्वाइन द सेंटो द ब्लॉक ऑफ ब्रिटेन एंड यूएसए। तो फिर उसका वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा था उसके पास। एंड अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने
रन ऑफ कच्छ एरिया जो गुजरात का, वहाँ पे अटैक किया। और फिर उसके बाद उसके और पाकिस्तान ने जो है अगस्त और सितंबर में जम्मू एंड कश्मीर पे भी अटैक कर दिया। तो फिर अब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रिवाजा फार्मर, जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जो है इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो काउंटर अटैक करें पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस तरह से पंजाब साइड से हमने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान पे, हमारी इंडियन आर्मी जो है लाहौर के पास तक पहुंच गई। और अब विद इन कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए नहीं, और वो बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस करने लगा पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान वाज गोइंग टू यूएसए, यूएसए के पास गया, और यूएसए ने फिर लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि आप वार को बंद करो। बट शास्त्री वाज सेइंग आई एम नॉट स्टार्टिंग द, मैंने तो वार शुरू नहीं किया है, वार पाकिस्तान ने शुरू किया है। तो वह बात करे वह जो है आगे आई, तो इस तरह से बातें बन नहीं पाई। पर लाल बहादुर शास्त्री अमेरिका के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे उस समय। देखो क्लास P-488 आता था, जिसको अमेरिका ने बंद कर दिया इंडिया को देना, क्योंकि उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन का उपवास मंडे को रखा कि, और उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम खाली एक दिन उपवास करेंगे, लेकिन हम आधे पेट रहेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और इस तरह से बाद में अमेरिका यूएसए को यूएसएसआर से बात करनी पड़ी। फिर यूएसएसआर इस मामले में आया और उसने मीडिएटर का काम किया, और दोनों कंट्रीज को के बीच जो है शांति पीस करने के लिए कोशिश किया। एंड लास्टली जनवरी 1966 में ताशकंद जो है लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया गया, एंड सेम टाइम पाकिस्तान के जनरल अयूब खां को भी इनवाइट किया गया, और वहाँ पे ताशकंद मूवमेंट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली ताशकंद में ही नेक्स्ट डे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रिटी में इंडिया को वो सब वापस करना पड़ा जो नए इलाके इंडिया ने जीते थे, और शायद ये लाल बहादुर शास्त्री को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, और शायद इस वजह से उनकी डेथ हो गई हो। बहुत सारी बातें होती हैं, बट फैक्ट इज दे कि ताशकंद फाइल एक मूवी भी आप देखिएगा, इस पर बहस करती है। बट वी आर इन द आउट कोर्स, हम अपने कोर्स की बातें करते हैं। जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है, और इसमें जो है पाकिस्तान को उसके खोए हुए इलाके मिल जाते हैं। नौ क्लास वी आर गोइंग, अभी ये जो समय था 1966-67 का, ऐसे ही हमारी कंट्री इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी में थी, और लाल बहादुर शास्त्री ने फेमस स्पीच दिया जय जवान जय किसान। ओके क्लास, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। क्लास नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज बांग्लादेश वॉर इन 1971। क्लास फर्स्ट आई वांट टू से अबाउट बांग्लादेश। यू नो बांग्लादेश प्रीवियसली नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान। यू नो क्लास ऑन 1970 द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑर्गेनाइज इन द पाकिस्तान, एंड द पीपुल ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एलेक्ट जुल्फीकार अली भुट्टोज पार्टी, ही वॉज इन द मेजॉरिटी इन द वेस्टर्न पाकिस्तान। बट इन द ईस्टर्न पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान, ही वॉज फ्रॉम अवामी लीग, एंड ही वॉज इन द मेजॉरिटी इन द ईस्टर्न पाकिस्तान। सो इन द ईस्टर्न पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान वॉज एलेक्ट ऑल द सीट्स, इन द ही वॉज इन द मेजॉरिटी इन ईस्टर्न पाकिस्तान। बट द
the ruler of the Western Pakistan was not accept the election vortices of the Pakistan, Eastern and Western Pakistan, तो जो election में उसको accept नहीं किया. And बाद में जो है जो बांग्लादेश की जनता ने जो है जो ईस्टर्न पाकिस्तान का उनकी जनता ने जो है पाकिस्तान रूलर के खिलाफ वोट दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी रूलर जो थे वो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे उनको सेकंड क्लास का सिटीजन ट्रीट करते थे ऐसे. दैट इज़ वाई जो इस इलेक्शन का नतीजा था ईस्टर्न पाकिस्तान में वो शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में गया. शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी जो है वो विनर रही. एंड जब वहाँ की पीपल्स ने वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने जो है शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया. और फिर अब हमारे ईस्टर्न पाकिस्तान में बंगाली लोगों के का बहुत ही सप्रेस किया जा रहा था, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा था. तो हमारी जो हमारे पीएम थी मिस इंदिरा गांधी ने जो है स्टैंड लिया, उन्होंने मदद करनी चाहिए और पूरी तैयारी की. पहले उन्होंने देखो यहाँ स्थिति कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थी कि बिकॉज पाकिस्तान को यूएस और चाइना का सपोर्ट मिल रहा था. यूएस और चाइना पीछे से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो रही थी. तो इंदिरा गांधी को उसके लिए तैयारी करनी थी. दैट इज़ वाई इंदिरा गांधी ने 20 ईयर का ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप यूएसएसआर के साथ साइन किया, ठीक है, 1971 में. और जब ये ट्रीटी साइन हो गया इनमें से अगर लड़ाई होता है तो पाकिस्तान चाइना और यूएस को काउंटर करने के लिए हमें यूएसएसआर का सपोर्ट मिलेगा. और फिर उसके बाद उस 20 ईयर की पीस और जो फ्रेंडशिप का जो सपोर्ट था वो हमारे साथ था. तो नाउ इंदिरा गांधी वॉज ऑर्डर इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया और फिर हमारी इंडियन आर्मी जो है जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे उनको बचाने के लिए आगे आई. और हमारी इंडियन आर्मी जो ईस्टर्न पाकिस्तान में जब दाखिल हुई तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमारी इंडियन आर्मी का वेलकम किया और बहुत जल्द ही 12 or 13 days में जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो बंगाली पीपल थे उन्होंने इंडियन आर्मी का वेलकम किया और बहुत जल्दी ईस्टर्न पाकिस्तान को चारों तरफ से इंडियन आर्मी ने घेर दिया. और हालांकि इंडिया को डराने के लिए यूएसए ने अपने 7th बेड़ा जो था जहाजी बेड़ा भेजा था, बट पाकिस्तान के जो तरीके थे, पाकिस्तान जो बुद्धिजीवियों की हत्या कर रहा था लगातार और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडियन आर्मी ने बहादुरी के साथ लड़ाई किया और बंगालियों को बचाया. जो रेन ऑफ टेरर का आतंक था, जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया तो पूरे बंगाल में रेन ऑफ टेरर था. और इस तरह से इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया. और इधर हमारे वेस्टर्न साइड पे भी पंजाब राजस्थान की तरफ से पाकिस्तान ने अटैक किया और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी तरफ से अटैक करना शुरू किया. आर्मी नेवी फोर्स आर्मी हमारी इन्वॉल्व थी, एयरफोर्स नेवी सब मिलकर के लड़ रहे थे. और क्लास कुछ ही दिनों में 13 or 14 days में ईस्टर्न पाकिस्तान में लगभग 90,000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया. और इस तरह से एक नए कंट्री बांग्लादेश का जन्म हुआ. ईस्टर्न पाकिस्तान ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया. प्लस उसके बाद इंडिया ने अपनी तरफ से सीज़ फायर कर दिया और
फिर बाद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिमला एग्रीमेंट हुआ 3 जुलाई 1972 को। इस सिमला एग्रीमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड इंदिरा गांधी और वहाँ की जो लीडर थी जुल्फिकार अली भुट्टो उनके बीच में हुआ। और ये सिमला एग्रीमेंट में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि वो इस सिमला एग्रीमेंट में ऐसा कर दें कि वो अपने वतन वापस लौट करके लोगों को मुंह दिखा सकें। तो इस तरह से इंदिरा गांधी ने इस ट्रीटमेंट में काफ़ी लिबरल जो है तरीके से पेश आई और सिमला एग्रीमेंट हो गया और इसमें तय हुआ कि जो आपसी विवाद होंगे वो बातचीत से ख़त्म किए जाएंगे। क्लास बस लड़ाई को जीतने के बाद हमारी इंडियन आर्मी का जो मनोबल था काफ़ी ऊंचा था। हमारी इंडियन आर्मी ने जो कुछ भी खोया था चाइनीज वार में अब उन्हें वापस मिला था, रेस्पेक्ट ग्लोरी। और आप देख रहे हो कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, एक तरफ पाकिस्तान को US और चाइना सपोर्ट कर रहे थे, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन थे उनके एडवाइज़र हेनरी किसिंजर को पाकिस्तान के रास्ते चाइना गए और सीक्रेट बातचीत कर रहे थे कि क्या स्टैंड लिया जाए। और वहीं इंडिया ने अपनी तैयारी की और पाकिस्तान चाइना और अमेरिका का जो एक्सिस था सपोर्ट था उसके खिलाफ इंडिया ने तैयारी की और ये लड़ाई लड़ी। तो आई होप इंडिया का ये बहुत बड़ा लड़ाई का जीत था। शायद ये लड़ाई जो है अशोक ने जो कलिंग की विजय की थी उसके बाद इंडिया ने सबसे बड़ी बड़ी लड़ाई जीती थी, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो इस तरह से ये हिस्ट्री का बहुत ही ग्लोरियस इवेंट है हमारे जो है इंडिया से इंडिपेंडेंस में हम लोग पढ़ते हैं क्लास। उसके बाद देखो बेटा कि क्लास आफ्टर दिस 1962 द इंडियन गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सप्लाई नवंबर 1962। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड इन 1962 एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई 1965। क्लास वी आर लुकिंग की इन लड़ाइयों के दौरान एक और चीज़ थी न्यूक्लियर पावर बनने की। यू नो चाइना ने सबसे पहले 1964 में चाइना न्यूक्लियर पावर बन गया और उसको यूनो का मेंबरशिप भी मिल गया। तो अब इंडिया के सामने चुनौती चैलेंज थी कि हम भी अपना जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएं। यू नो क्लास NPT साइन हुआ जिसमें 5 न्यूक्लियर पावर तक ही न्यूक्लियर एटम न्यूक्लियर जो है वेपन्स रहेंगे। चाइना जिसमें ताइवान भी शामिल था, USSR, फ्रांस, ब्रिटेन एंड USA। तो इन 5 कंट्रीज़ ने NPT साइन की कि इन्हीं के पास केवल वेपन रहेगा। तो अब हमारे इंडिया के पास भी चैलेंज थे कि हम इन चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें। और इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया। देन आफ्टर 1998 में अगेन इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में और ये दुनिया को बताया कि इंडिया भी के पास भी वेपन्स है और वह चाइना और पाकिस्तान के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता। क्लास आई एम गोइंग अगेन टू समराइज द चैप्टर की देखो क्लास इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही। देखो हमने हमेशा पीस के लिए, अगर हम आज बांग्लादेश को आज़ाद कराएं तो वी आर फाइटिंग फॉर अ पीस, हम अच्छे काम के लिए लड़े। एंड जम्मू कश्मीर को भी हमने मर्ज किया जब राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन साइन किया, ठीक है। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इंटरनेशनल पीस को बनाए रखने की, तो हम उसके लिए हमेशा एफर्ट करते हैं। हमें चाइनीज़ वार हम हारे जरूर, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा और अपनी इंडियन आर्मी अपने डिफेंस सिस्टम को हमने काफ़ी रिच बनाया है। मिसाइल्स न्यूक्लियर वेपन्स के फील्ड में काफ़ी तरक्की की है और अब हर
जो मॉडर्न वेपन है वो हम कोशिश करें बड़े से बड़े सबमरीन जहाजी बेड़े हम हमारी आर्मी का सेना का हिस्सा हैं,